दिव्यांग व्यक्ति का परफॉर्मेंस देखने चाह रहे हैं, व्हीलचेयर बाउंड यूजर परफॉर्मेंस देखने चाह रहे हैं, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आएंगे, हाथ पैर हिलाएंगे, दो चार मूवमेंट करेंगे और चले जाएंगे। Myself is Syed and I'm the founder and director of this organization, we are one. मेरी जर्नी ये पिछले 15 सालों की जर्नी है, 1.5 डेकेड हो चुके हैं मुझे इंडियन व्हीलचेयर क्लासिकल डांस परफॉर्म करते हुए। जब हम छोटे थे पिछले 15-16 साल पहले तो सोसाइटी ये कहती थी कि ये लंगड़ा जा रहा है, या उस तरीके के शब्द यूज़ होते थे जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। तो कभी कभी जब हम छोटे थे तो ऐसा लगता था कि शायद ये सोसाइटी, ये समाज शायद हमारे लिए नहीं बना है। नहीं, बहुत मैंने 9 लोगों के साथ प्रशंसा शुरू करी। ईच एंड एवरी डिसेबल्ड डिफरेंटली पीपल हैव ए मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे कोई व्हीलचेयर कॉन्स्टेबल इंचार्ज है, कोई कॉस्ट्यूम इंचार्ज है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट इंचार्ज है, कोई कोरियोग्राफर है, कोई असिस्टेंट कोरियोग्राफर है, कोई डायरेक्टर है। तो एवरी वन हैज़ टेकिंग देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब काम कर रहे हैं। मेरा नाम गुलशन कुमार है, मैं VR1 में 2016 से ज्वाइन हूँ। हम पहले फ्रेंड्स थे, लेकिन जो हमारे हुसैन सर हैं उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे डिसेबिलिटी को आगे बढ़ाया जाए। जब हम स्कूल टाइम में थे तो हमने कई सारे परफॉर्म इस टीवी शोज आते थे तो हम देखते थे, लेकिन हम डिफरेंटली उनके साथ में सोचते हम कभी कर पाएंगे या नहीं। बच्चे को एक साथ कोरियोग्राफ करता हूँ डांस परफॉर्मेंस, तो वो अलग फील आता है कि जो आपकी फील है ना, आप उसके लिए अच्छा सोच सकते हो क्या करना है नया। गाना सुनते हैं आपके अंदर मन में क्या आ रहा है। हम मैं ये दिखाना चाहता हूँ लोगों को जो कभी उन्होंने देखा ना हो। आजकल जो परफॉर्मेंस चल रहा है उसमें सिर्फ क्या दिखा रहे हैं, जंपिंग दिखा रहे हैं, जैसे कूदना दिखा रहे हैं, बहुत रिस्क है। लेकिन व्हीलचेयर पर वो चीज़ जब होती है ना, लोग ऑफ करके रह जाते हैं। तो वो मेरे इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उसका इंक्लूजन होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके पास में एम्पावरमेंट होना चाहिए। क्योंकि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के पास अगर ये चार चीज़ें हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ पा सकता है जो वो चाहता है। हम भी स्कूल टाइम भी यही काम किया करते थे जो आज करते, उनको फील आता कि अरे हमारा बचपन वापस आ गया, ये आगे जो स्पेशल है ये हम भी थे। लेकिन जब ये बनेंगे 10 साल बाद 8 साल बाद तो ये हमारी तरफ प्रोफेशनल बन के निकलेंगे यहाँ से, तो वो प्राउड फील होगा कि कहेंगे गुलशन सर ने सिखाया था, VR1 की अकेडमी से सीखा है, हुसैन सर ने हमें गाइड किया था। वो अलग चीज़ इम्पैक्ट पड़ेगा जो हमें चाहिए। मेरे लिए डांस मेरी लाइफ है। अगर ये ना होती तो शायद मैं जो आज मैं हूँ, मेरे को लोग जानते हैं गुलशन कुमार भरतनाट्यम डांसर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। जहाँ पे इंक्लूजन सोसाइटी है,